ब्रह्मण बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का यानी 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी मैथ में गणित में क्या अध्याय 3 का अभ्यास संख्या 3.3 का क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 3 का छठा संख्या पढ़ने जा रहा है, छठा क्वेश्चन पढ़ने जा रहा है। उसमें छठा प्रश्न क्या बोलता है, 500 पर आयु चर्चा गौर कीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है और जब जब क्वेश्चन लिख पाऊंगा तो बच्चे जरूरी बात जरूर याद रखना कि कॉन्सेप्ट काफी बड़ा रहेगा, जिस तरह क्वेश्चन लिख पाऊंगा क्वेश्चन प्लीज अपने बुक्स में जरूर देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक की किताब के क्वेश्चन सही है। तो 500 साल बाद जैकब का आयु, ठीक है, आयु चर्चा। आयु के बारे में 6 बातें होती है, तो 6 कहानी बताऊंगा, मैं 2 कहानी बताऊंगा और 6 कहानी जाननी है। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट से लेकर आज तक, आई मीन कंपटीशन एग्जाम के लेवल के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं टाइम मिल रहा है तो उस पर इधर ध्यान दे रहा हूँ मैं, तो उसमें जो वीडियो बनाऊँ उसमें आयु का क्वेश्चन देख लेना। उसमें आपको फर्स्ट सारा बचपन से बचपन तक हमेशा के लिए जो यानी कि आयु का जो फंडा होता है उसको क्लियर करने की कोशिश की। ऐसे में इसमें कर सकता हूँ लेकिन वीडियो तो मैं चल जाएगा, सर आप उलझ जाए, हो सकता है कुछ बच्चे उलझ जाए जिस कारण से बुरा नहीं मानना, लेकिन कुछ बच्चे इसमें सोचेंगे सर काफी लंबा बिना मतलब बन जाता है आपका वीडियो। चलते हैं हम लोग, तो इसमें सिर्फ उसी बात की चर्चा करने जा रहा हूँ जितना जरूरत पड़ने वाला। हाँ, 2-4 मैं गैप कर दूंगा या गैप नहीं करूंगा उससे मतलब नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि आज जिसे मैंने कहा आपकी उम्र, अभी आपकी उम्र है 15 साल, ध्यान दीजिएगा, अभी आपकी उम्र क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आपकी उम्र 14 या 15 साल होगी, इसलिए मैंने मैंने मान लिया कि 15 साल उम्र है, ठीक है, 15 साल उम्र है। चले भैया 2 साल कितने हो जाएंगे आप, 17 ना, राइट साइड 17 कब बोल दिया, 15 बोल दो तब ना, नहीं तो क्या बोलते आप 15 + 2 मालूम है, तब आपने 17 बोल दिया, नहीं मालूम तो क्या करते हैं 15 + 2 बोलते हैं, कब 2 साल बाद हो जाएंगे। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अभी आपकी उम्र 15 साल है, ठीक, 3 साल पहले आप कितने के थे, 3 साल पहले आपने पीछे देखिए, ये आपके आगे की उम्र है वो आपके पीछे की उम्र है, 3 साल पहले सर ये 12 साल के थे, सर जैसे अभी 15 साल के सर तो 3 साल पीछे आएंगे और 12 साल के थे, फिर मैच कर लेंगे कब से, अभी से तब ना, यानी कहना है मतलब कि जब अभी कैसे मालूम होता है, अभी कैसे, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट हर की बात है, ये था की बात है, आपकी मेरे पीछे था की बात है, मेरे आगे घर की बात है, जस्ट आपने आपको वहीं पर जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, तो जैसे आपके पीछे में पीछे की कहानी है, आगे में बाद की कहानी, ये अभी कहानी है, हा है था है ग है, पूरा कॉन्सेप्ट मैथ इंग्लिश सब कुछ शिफ्ट करता है, एज वगैरह सब कुछ करें। तो अभी आपकी उम्र 15 साल है, 2 साल बाद तो 15 + 2 आगे बढ़ जाएंगे, 17 साल हो जाएंगे हमारे, ठीक है, अभी उम्र 15 है, 3 साल पहले तो 15 साल पीछे चल जाएंगे, -3 कर देंगे, किससे अभी से ना, अभी से आगे जाना है तो प्लस कर देंगे, अभी से पीछे आना तो माइनस कर देंगे, यानी डिपेंड इस बात पर करता है कि हमको जाना का बाद में सोचेंगे, मतलब ये डिपेंड करता है कि हम माने कब का है, माने भी अभी का एज माने हैं, वर्तमान को माने हैं, वर्तमान मतलब आज का एज, आज की उम्र को माने हुए, तो आज की आयु माने तो इससे आगे जाने के लिए प्लस करें, इससे पीछे जाने माइनस करेंगे, और इसी यदि पीछे को उम्र माने होते तो 2 कहानी आती वहां से, फिर आगे का उम्र माने होते आज से 10 साल बाद इतने साल हो जाएंगे, अभी का उम्र बताइए, तो इस सारी कहानी सारा कहानी बचपन में पढ़ा हुआ वो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आई बार स्पेशलिस्ट बताऊंगा उसमें क्लियर करूंगा मैं, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन बारे में बोलने जा रहा हूँ। तो बोला है कि 5 साल बाद अभी से, अभी का इससे 5 साल बाद कौन, जैकब की आयु, कौन है जैकब, एक लड़का एक आदमी है और उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ही नहीं हो जाएगी, कब आगे, किसकी उम्र, जैकब ये बाप है, ये बेटा है, ठीक है, पिता है, पुत्र है, ठीक है, तो जैकब का एज हो जाएगा कितना, 3 गुना, किसका, बेटे का, बेटे का मालूम होगा तब तो, बाप मालूम तब तो, दोनों मालूम कर लेंगे, नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम, ओह कोई बात नहीं मान लेंगे दोनों को, फिर 5 साल पहले, कब से, अभी से 5 साल पीछे जाएंगे, कौन, जैकब, फिर आ गया जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसका पुत्र भी साथ में, उसकी 7 गुनी थी मतलब पीछे की बात थी उधर ना, ओहो उनकी वर्तमान मतलब अभी का निकाली है, अभी का अभी कोई मान लेंगे इसी पड़ जाए, और 10 में जितने भी ऐसे क्वेश्चन है, आयु क्वेश्चन में बारे में तो जरूर, आयु के बारे में जितने भी क्वेश्चन है, लेसन 3 लेसन 4 में जितने भी क्वेश्चन है, सारे सारे वर्तमान मान लेना, कभी चर्चा मतलब नहीं है, आगे बढ़ जाना प्लस करना, पीछे आ जाना तो माइनस कर देना, किससे, वर्तमान से, वर्तमान में, उसी से आगे पीछे करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा वो, और सारे क्वेश्चन को देखना किसी भी किताब से उसकी कार्य बताऊंगा मैं, उसमें टेंशन नहीं है, चलें, ओहो तो नंबर जहां से था वो तो मैंने लिख दिया, 5-5 था उसको मैंने कवर कर दिया ताकि समझ में आ जाए, 5 साल बाद मैं पढ़ रहा है नंबर को जरा गौर करना पड़ेगा, 5 साल बाद, ठीक ठीक 3 गुना 7 गुना, ठीक है 5 साल पहले, ओह वर्तमान, बस इसको ध्यान देना निकालना क्या है, इसको नहीं पूछे तो कुछ मतलब नहीं होगा, चलो भैया गड़बड़ हो रहा है, रैखिक बनाने से, चलिए मान लेते हैं, मान लेंगे हम लोग किसको 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 माने भाई, फिर तो जिसको निकालना है आयु मानना है ना, चल निकाल लेते, किसका भैया, बाप का भी बेटा का भी, माना कि आयु किसका, जैकब का, जैकब की आयु, माना कि जैकब
ठीक है, की आयु ना भैया कब का वर्तमान आयु निकाल रहा है सर जी, तो वर्तमान मान लेते ना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु। चलो भैया कितना मान लें सर जी, चलिए भैया कुछ नहीं तो एक्स मान लेते हैं, कोई तो नंबर मालूम है नहीं ना। चलो क्या तो वर्ष, अच्छा, जैकब क्लियर हो गया। आपको उनसे पुत्र भी है ना, चलिए उसके बेटे को मालूम, वो भी तो मालूम नहीं है। एंड पुत्र की चाहे जैकब के पुत्र पूरा ले देंगे, पुत्र की वर्तमान आयु कितना भी, अरे बाप बेटा अलग अलग नंबर भी अलग अलग हो रहा है, तो नाम भी अलग अलग करना पड़ेगा, नाम अलग करेंगे। क्या तो वर्ष, ओहो ये तो निकालना है। अच्छा, क्या करें अब, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। और हाँ इतना जरूर कहूंगा मैं, प्रश्न से देखो यहाँ तो बहुत सारे एक्स्ट्रा खेल दिया था, मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि क्लास 3 फॉर्म खेला था, चल अच्छा लगता है ठीक है। लेकिन आप 9-10 के बच्चे तो आपको जो मैंने कहानी बताया उसका कहानी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आपका 2-2-4 लाइन बच जाएगा जब जो एज का क्वेश्चन आएगा। चले 5 साल बाद कब भैया, किसका, जैकब की आयु, जैकब है कहाँ, चलो भैया जैकब एक्स कब की बात है भैया, अभी की बात है, अभी की बात है, जैकब एक्स है अभी 5 साल बाद भैया, अभी हम 10 थे 5 साल बाद, 10 प्लस 5 15 थे, 15 भी है 15 प्लस 5, अरे अभी एक्स है तो एक्स प्लस 5 कर लेंगे ना। 5 साल बाद जैकब की आयु किससे, उसके पुत्र की आयु, अरे पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ तो वाई है, अरे ये भी लिख लेंगे ना, टेंशन लेने का ऐसा, टेंशन लेने का वाई लिए, ये कब, तो जब बाप को 5 साल बाद की, तो बेटा ही तो 5 साल बाद का, उसी चर्चा है ना, तब बहुत तीन होना चाहिए, ये जब हम 5 साल बड़े तो आप भी 5 साल बड़े हो जाएंगे ना। चले तो जैकब की आयु बेटे और बेटी की आयु, बेटे का वाई, नहीं, वाई नहीं लेंगे, वो 5 साल बाद का चर्चा है, 5 साल बाद का चर्चा है, तो बेटे का 5 साल बाद अभी ना वाई है, ये भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, हम 5 साल बड़े तो ये भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा भी हो जाएगा 5 साल बाद बड़ा, ठीक है। अब बोला कि जैकब का एज जो यहां रख दिए, जैकब का एज यहां रखे, पुत्र का एज यहां रखे, कि बाप जो बेटे की, इसकी पुत्र की से उससे 3 गुनी हो जाएगी, इससे मतलब इस सारे से 3 गुनी हो जाएगी, कोई डर नहीं लगे। मैं अगर तोड़े से मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज प्रॉब्लम का, वर्ड प्रॉब्लम का, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए सारा क्वेश्चन पकड़ना है, उसको देखिए सारा क्वेश्चन पकड़ना आ जाएगा, बराबर है। और कुछ नहीं, अरे दोस्ती मिल गया ना काम कर लेंगे, इधर भैया कुछ नहीं कर पाएंगे छाप देंगे, इधर काम मिल गया दोस्ती करने का, धर्म काम नहीं है, घर से बाहर आए 3y हो गया, प्लस 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 3 15, अरे बस फिर काम नहीं मिला, फिर काम कोई बात नहीं, एक्स वाई एक तरफ, बिना एक्स वाई एक तरफ, पिक्स तब आगे पढ़ेगा, बाद में पढ़ेंगे आप, एक्स है प्लस में 3y है माइनस 3y, उधर क्या बचे प्लस, उससे तो मिल रहे हैं प्लस में 15, ठीक है उधर आया नहीं ना, बाउंड्री का तभी बाउंड्री का प्लस में रहेगा, जैसा वैसा ही रहेगा, बाउंड्री पीछे था प्लस में, उधर फेंक दे बाउंड्री का लिया माइनस में, जरा प्लस में, प्लस से माइनस में जाएगा, ओहो काम तो हो गया, चलो यहाँ काम नहीं है छोड़ दो ना कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस 3y, ओहो क्या देख रहे हैं प्लस ज्यादा है, प्लस बचेगा, हाँ ठीक है, अरे आप कुछ नहीं छोड़, चलो इक्वेशन बन गया जो हमको बोला गया था, जानकारी एक हो गया तैयार, अरे वाह, फिर आगे पढ़ लेंगे ना, फिर पढ़ लेंगे, ओहो ये जानकारी एक हो गया, फिर कौन बोला, ये तो क्वेश्चन बता दिया, अरे फिर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है आगे, फिर बोला, फिर क्वेश्चन बोला था पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या बोला था, 5 साल पहले, ओहो कब से जी, अभी से भाभी कितना था, कौन जैकब, चलो जैकब कुछ हुए जिसको जिसको नहीं लेते, जैकब को बोला जैकब कहाँ है भाई मेरे, तो एक्स है, चलो भाई अभी का सर जी मेरे अभी का उम्र है, जैकब बोला अभी का उम्र है ना, अभी अभी का नहीं लेंगे आपसे, क्या 5 साल पहले आप कितना थे, अभी का है ना ये 5 साल पहले, -5 करेंगे, आपका दिमाग क्लियर हो रहा होगा, मैं जान रहा हूँ आपके मन से आवाज आ रहा होगा, इससे 5 साल पीछे चले गए, ठीक है, जैकब का एज हो गया कब का, एक्स अभी का एज था, अभी से 5 साल पीछे गए माइनस कर दिए, किससे, अपने पुत्र की आयु, पुत्र पुत्र कौन कहा भैया, पुत्र भैया वाई है, अरे भैया ये ले ले क्या, नहीं, पुत्र भी कब का 5 साल पहले, एक ही बार निकाल मतलब इसके लिए वही चर्चा हो रहा है, 5 साल पहले, जब हम 5 साल पीछे चर्चा करते बेटा का 5 साल पहले का चर्चा कर रहे हैं हम लोग, इसको 5 साल पीछे कर दिए, जैकब जो बेटे की इस पूरे की कितनी, 7 गुनी थी, बाप जो है बेटे का 7 गुना था एज में, चले अब खेलेंगे, हो गया जैसे ये बनाया खेलेंगे अब लोग, काम खत्म है, एक्स माइनस 5 = 7y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 = 35, फिर काम नहीं हो रहा, क्या करेंगे, एक्स वाई एक तरफ, बिना एक्स वाई तरफ प्लस में माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर बराबर उससे मिलेंगे जो घर पहले से है, माइनस 5 हो गया प्लस 5 हो गया,
बराबर इधर काम नहीं हो, लास्ट टाइम हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस सेवन वाई, ओहो माइनस ज्यादा है, माइनस बचेगा कितना 30। अरे काम तो नहीं हो रहा, चलो जानकारी लो, अरे इसी को तो खेलना था, रुको काम तो बन गया, चलते हैं चले। हाँ तो निकल जाएगा, क्या करें पैसा अपन खेल जाते हैं, पैसा में एक से निकालेंगे, दो में डालेंगे, दो से निकालेंगे, तीन में डालेंगे, काम खत्म हो जाएगा हम लोग का, एक नंबर से निकालते हैं हम लोग जानकारी एक से, जानकारी एक से एक नंबर है क्या भाई मेरे, ये है एक्स माइनस थ्री वाई बराबर 10, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, एक से निकाल रहे हैं, चलो निकालते हैं एक्स निकालना, चलो भी निकाल लेते हैं एक्स वाला, एक था बिना से 10 है माइनस में 3y, क्या है प्लस में 3y, ओह कुछ नहीं है डाइट ये रहना सही है। चलिए एक से निकालिए, एक से निकाल दो में डाल देते हैं, एक से मत निकाल दी, चलिए दो नंबर डाल देते हैं, एक से दो में डाल दो, से तीन में डाल देंगे, जानकारी दो, जानकारी दो में किसका जो निकला इसका उसी का एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ओहो दो नंबर है क्या भाई मेरे, यहाँ पर है एक्स माइनस सेवन वाई बराबर कितना माइनस 30, ओहो माइनस में देखते हैं क्या होता है, एक्स के बदले में सारा बढ़ जाएगा ना, 10 प्लस 3 वाई, 10 प्लस 3 वाई, बाकी एक्स के बदले में ये बाकी छाप देंगे बराबर है और खेलेंगे। अरे भैया यहाँ काम, यहाँ तो अकेले बेचारा इधर काम हो रहा, वाई ला है माइनस ज्यादा, माइनस बचेगा कितना 4 होगा, एक जाते होकर छाप देंगे, बाकी छाप देंगे, अब खेलेंगे क्या खेलेंगे, वाई लाइक बिना वाई लाइक तरफ काम बन गया हमको बराबर है और खेलेंगे, कोई काम तो होगा नहीं ना, -4y वाई ला एक तरफ, बिना वाई ला एक तरफ, पहले उससे मिलेंगे जो करना है, पहले से बाउंड्री की तरफ माइनस थी था, पहले उससे मिल लेते हैं हम लोग, इधर क्या है बेचारा बाउंड्री के पीछे +10 है, इधर क्या हो जाएगा -10, ओहो उधर का मिल गया हम लोग, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, -4y अत्तुर के कर जाए कर जाए कर जाए, बड़े माइनस 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 बढ़ जाएगा, मतलब कि जोड़ देंगे, हो गया वाई लाइक तरफ बिना वाई लाइक तरफ, पहले उससे मिलेंगे जो करना है, पहले से ऐसे तब गुना में 4 होता, माइनस प्लस नहीं करना, या बहुत बड़ी कंफ्यूज करते हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, डीपली चलूंगा मैं, थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा डीपली चलने का, पूरा डीपली नहीं चल सकता, फिर दिन दिन कुछ आपका कंफ्यूजन बहुत कभी हो दूर हो जाए, या तो बहुत को पता है, फिर भी इंटू में 4 तो बटे में 4 कर गया, इंटू माइनस 4 तो बट्टा माइनस 4, चिन्ह से फेंक देंगे ना 4 से एक बार में, 4 से 10 बार में, और तो माइनस प्लस कर देते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं लास्ट टाइम, इसलिए इसलिए रिश्ता देखिए किस रूप में, इंटू के रूप में था, गुना था तो गुना का बट्टा वाला था वहाँ पर, क्यों होता वो भी काम बताऊंगा मैं जल्द वीडियो में, वो इधर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, कितना आ गया, अरे बाबा अरे वाई तो निकल गया, वाई निकल गया, अब क्या करें, चल डाल देते कहीं पर, एक में दो में तीन में कहीं भी, तीन नंबर में एक साइड क्या हो, तीन नंबर में डाल देते हैं, चलिए तीन नंबर में डाल देते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा, इसमें तीन नंबर यहाँ पर है, इसमें डाल देते हैं तीन नंबर में, ठीक है, एक से निकाले दो में डाल दिए, एक से निकाले दो में डाल दिए, अब दो से निकलेगा तीन में डाल देंगे, हाँ तीन नंबर ये वाला, तीन नंबर यहाँ पर है ना, डाल देते हैं जानकारी तीन में, इसलिए चाहे अब कहाँ जानकारी तीन में, जानकारी तीन में किसका भैया, तो जिन निकला उसी का, वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, ओहो तीन नंबर क्या था मेरे भाई, जरा देख लीजिए, एक्स बराबर 10 प्लस 3 वाई, एक्स बराबर 10 प्लस 3 वाई बराबर है, और एक्स तो मालूम नहीं है, बराबर 10 प्लस 3 गुना y का मान निकाले हुए हैं कितना 10, ओहो एक्स रहेगा बराबर 10 रहेगा, तो गुणा कर लेंगे 10 या 30, अरे वाह इसलिए एक्स निकल गया कितना 30 10 40, अरे वाह एक्स भी मालूम वाई मालूम निकल गया, अरे भाई क्या निकल गया, एक्स निकल वाई मतलब वर्तमान, दोनों वर्तमान ही पूछा था ना, वर्तमान कितना है दोनों का, वो दोनों को पूछा था, निकल गया हम लोग इसलिए देंगे लोग, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु, इसलिए जैकब ठीक है की वर्तमान आयु कितना माने थे भैया मेरे, वर्तमान में एक्स माने थे, क्या माने थे वर्ष, ठीक ठीक महीना भरने का साल का चर्चा था, ठीक है एक्स का निकला मेरे भाई 40, क्या तो साल 40 साल का ये बाप, ठीक है मैं 40 साल का हूँ, ठीक है उसके बाद देखते हैं आगे, एंड कौन पुत्र की वर्तमान, चल रही ये भी निकल गया लगता है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान था भैया वाई वर्ष, वाई क्या तो वर्ष, ओहो वाई कितना काम आ गया, अरे भाई यहाँ 10, क्या तो ओ बेटा 10 साल का मेरा, चलो भैया कोई बात नहीं मैं 40 साल का, मेरा बेटा 10 साल का, मैं जय का वो मान लेते हैं, कोई टेंशन मान लेंगे क्या हो जाए, मेरा बेटा 10 साल का भले छोटा है कोई बात नहीं है, तो चले क्या वर्तमान मेरा 40 मेरे बेटे का 10, आते हैं जरा 5 साल बाद जैकब जो बेटे 5 साल बाद, अभी मैं 40 हूँ ना, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी 40 उम्र है मेरी,
मेरी उम्र 40 साल है, 5 साल बाद कितना हो गया मेरा, 45, आप जोड़ लिए 45 हो गया ना, मेरा 45 ठीक है। अरे बेटा मेरा भी अभी 10 साल का है, इसको भी 5 साल, ये तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, बेटा भी 10 साल का है, 5 साल बाद ही 15 हो जाएगा, 15 ये 45 साल, 15 थी 45, उसका 3 गुना हो जाएंगे, एकदम सही है। ओहो 5 साल पहले, ओहो अभी 40 है, अभी 40 है ना, अभी 40 है, 5 साल पहले कितना, अभी 40 है, मतलब पीछे कितना, अभी 40 है ना, पीछे 5 साल पहले ना, ओ 5 साल पहले 40, अभी 35, 35, ओहो 35, अरे बेटा भी कब, 5 साल पहले, बेटा कितना 10, अभी 10 साल का है, 5 साल पहले कितना था, 5 साल का, 10 साल अभी ना है, 5 साल पीछे रहे, 5 साल का, ओहो 5 साल, मैं 35 साल, वो 5, 35, 5 7 35, अरे 7 गुना, ठीक है 7 गुना थे। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ नहीं सीखना तो वीडियो जरूर देखना और दोस्तों को जरूर बांट देना, वीडियो देखो ना देखो आपने देखा है तो मुझे अच्छा लगा कि आपको मैथ नहीं सीखना इसलिए आप देख रहे हो, मुझे मालूम है सर उल्टा बोल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे मतलब नहीं, चले देखे वीडियो देखिए और अपने दोस्तों बोलिए सर मैथ नहीं सीखना तो देख लेना एक बार पागल मास्टर का वीडियो, सर बहुत पकाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पे बिना मतलब आधार लग देता है। चले तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, नमस्कार।